नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। पिता ने ठुकराया, काम न करने पर भाई ने पिटा। रेखा के पति ने डेथ नोट में रेखा के बारे में क्या लिखा, आज आपको रेखा के जीवन के कई अनसुने किस्से बताएंगे। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में साउथ इंडियन फैमिली में हुआ था। उनके पिता फेमस तेलुगु एक्टर जेमिनी गणेशन और माँ एक्ट्रेस पुष्पावल्ली थी। रेखा अपने नाम के साथ पिता का सरनेम इसीलिए नहीं लगाती क्योंकि रेखा के जन्म के समय जेमिनी ने उनकी माँ पुष्पावल्ली से शादी के लिए इनकार कर दिया था और उनसे अलग रहने लगे थे। रेखा का बचपन तकलीफ भरा था। उनकी माँ को जुए की ऐसी लत लगी कि परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया और पेट पालने के लिए रेखा ने पढ़ाई छोड़ दी। 13 साल की रेखा को फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि जब मैं 9वीं क्लास में थी तो मेरी पढ़ाई रोक दी गई। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरी माँ पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है। मैं फिल्मों के सेट पर जाने से इनकार करती थी तो अक्सर मेरा भाई मुझे पीटता था। दोस्तों, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1969 में रेखा अपनी माँ के साथ हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आई थी। फिल्म अनजाना सफर के सेट पर रेखा को एक्टर बिस्वजीत चटर्जी ने 5 मिनट लंबे स्मूचिंग सीन के लिए मजबूर किया था। रेखा को घर की तंगी के चलते काफी कुछ झेलना पड़ा। उन्होंने मजबूरी में बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। रेखा ने साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन रेखा को 1976 में फिल्म दो अनजाने से असली पहचान मिली। रेखा की लव लाइफ की बात करें तो रेखा अपने अफेयर को लेकर काफी सुर्खियों में रही है। एक बार ऐसी खबरें उड़ी थी कि रेखा ने एक्टर विनोद मेहरा के साथ सीक्रेट शादी कर ली है, हालांकि बाद में रेखा ने इसे अफवाह बताया। रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, जितेंद्र, किरण कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ भी जुड़ चुका है। रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे, लेकिन 2 अक्टूबर 1990 में मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से रेखा के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। वे इतनी सक्षम है कि खुद कमा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा अपने 40 साल के करियर में 180 फिल्मों में काम कर चुकी है। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की अनसुनी खबरों से रूबरू होने के लिए वी फिल्मी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।